ना हो, ये जो है ये बहुत जरूरी होता है। दूसरे लेवल पर आप का सबसे महत्वपूर्ण काम है OMR की फिलिंग, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन जहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ है, कभी कभी बताने वाले लोगों को खुद जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। ऐसे में जो फाइनल CBSE की तरफ से, NEET की तरफ से इन्वेजिलेटर होते हैं, उनसे आप कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का टाइम रहता है, आप अपनी आंसर की को चेंज करा सकते हैं। OMR में कोई एरर दिख रहा है या जो है आपका जो पेपर है उसमें एक आध क्वेश्चन मिसिंग है, हालांकि बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी पहले मिलते ही आप पूरा पेपर चेक कर लें सारे क्वेश्चन। इससे दूसरी बात भी आपके साथ पॉजिटिव जाती है, आपको जो है स्ट्रेटजी बनाने में बहुत मदद मिलती है, ये आपको सीखना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको आदत पड़ी हुई है, हम शुरुआत हमेशा बायो से करते हैं और पता चला इस बार बायो के ट्रेंड में खूब लेंथी क्वेश्चन है, जो अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। इकोनॉमी के दृष्टि से भी बायो हमारा ज्यादा बेहतर है, 40-45 क्वेश्चन जो है हमको वहां अटेम्प्ट करने हैं। और हर एक बायो और सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत प्लस है कि बायो में मैक्सिमम हो करे। ऐसे में हो सकता है फिजिक्स का पेपर आपका इस साल बहुत आसान आ जाए या केमिस्ट्री बहुत आसान आ जाए, तो एक बार देखने के बाद स्टार्टिंग आप उस सिरे से करते हैं जहां पर जो है बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर सके, तो ये स्ट्रेटजी एक। दूसरी, हमेशा जो है साइक्लिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है, वो बेस्ट माना जाता है। पहला राउंड लगा लिया क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है, उसमें से जो जल्दी जल्दी टिक हो सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप सवाल है, पढ़ा टिक किया, अगले आगे बढ़े। दूसरे लेवल पे जहां एप्लीकेशन है, फार्मूला लगा के थोड़ा समय देना है, वहां पे कुछ कटपिट करनी है, उसमें समय लगेगा, वो सेकंड राउंड पे। थर्ड राउंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि पहली बार पढ़ने पे लगता है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आराम से इत्मीनान से आप जो है 500 प्लस पहुंच जाते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे अब तो सिलेक्शन हो गया, उसी समय आपको फील होगा सेंटर पे फील हो जाएगा वहां बैठे बैठे कि अरे अब तो सीट मेरी निकल रही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आप एकदम लास्ट के लिए रखेंगे, ट्राई करेंगे, ये कुछ बातों पर जो है आप ध्यान देंगे। अभी जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं ये केवल एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस है, अभी इसको आप जो है रिहर्सल ना मानिए। रिहर्सल वाला टाइम आपका अप्रैल का होगा, 15 से लेकर के 25 तक के बीच में आप जो पेपर देंगे वो रिहर्सल मानिए। इसको एनालाइज करिए कि अभी किस पार्ट में हमको थोड़ी दिक्कत रह गई है। आमतौर पर जब भी आप किसी पेपर को एनालाइज करेंगे तो 3 तरह की एनालिसिस होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे जो जल्दीबाजी में आप यही पढ़ रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दिया, 3 स्टेटमेंट देखा, 4th स्टेटमेंट देखा ही नहीं, यूनिट में ध्यान ही नहीं गया, MKS और CGS में हम पढ़ गए जो है। दूसरे लेवल के क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जिनमें हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, यही हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। उस तरह के क्वेश्चन आप फिर से ढूंढिए, गाइड बुक में ढूंढिए, 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरे तरह का क्वेश्चन जो किसी भी पेपर को आप इस समय दे रहे होंगे, हो सकता है ऐसा होगा जो कि कहीं गाइड बुक में नहीं होगा, किसी टीचर ने आपको बताया नहीं होगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, किसी भी ट्रेंड के आप जो है पेपर को सॉल्व कर रहे हो ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए नहीं परेशान होना है। लगातार टेस्ट देते रहिए, अभी स्पेशल जो है इतना टाइम पर्याप्त है आपके पास कि जो भी सेगमेंट आपका वीक है, लगे कि फिजिक्स अभी वीक है, पूरा का पूरा 10 दिन दीजिए, फिजिक्स में आपको ड्रेस्टिक चेंज मिलेगा। तो इस तरीके से करेंगे, हम लोग लगातार आपके साथ हैं। ओरिएंटेशन के दिन ही बताया था, यहाँ एक बार जो स्टार में आया तो हमारी तरफ से तब तक हमारा साथी रहता है जब तक वो मेडिकल कॉलेज न पहुंच जाए, और MBBS करने के बाद भी पूछते रहते हैं कि अभी आगे PG भी करनी है, जाते हैं हम और आगे बढ़ जाते हैं, हमारी सोच और आगे चली जाती है कि अब नेक्स्ट जनरेशन भी हमसे पढ़ने आएगी। तो एक लंबा रिश्ता, एक पारिवारिक सामंजस्य, एक संवेदनशीलता, बाजारवाद से बिल्कुल अलग हट करके ये कोचिंग है, निश्चित रूप से आपने फील किया होगा। साथ ही साथ आपके इस एग्जाम की तैयारी से और बहुत सारे डायमेंशन खुलते हैं, कैरियर के तमाम ऑप्शन आपके पास हैं, लेटरल एंट्री बहुत सारी है, आपका सपना जो है मेडिकल कॉलेज में जाने का था, यहाँ इस रास्ते से ना होकर के तो बैक रास्ते से, बैक चैनल से हो सकता है वो, आप बायोकेम से जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बनकर के जा सकते हैं, तो एक ही को लेकर के बहुत रिजिड नहीं रहना है।
अगर आप अपने आप को फ्री पाते हैं, फ्री होकर के स्टडी करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए तय है। और ये तो है ही, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा।